महाराज तुम तो उल्टी गंगा बहा रहे हो। गंगा कहाँ से बहती है इसके बारे में मुझे मत बताना। तो इन दैट केस आपको एजुकेशन सिस्टम पर केस करना चाहिए था ना, स्कूल पर नहीं। आपका टाटा के ट्रक से एक्सीडेंट हो गया चालक की गलती से। आप अपाहिज हो गए महाराज, आप चालक पे केस करेंगे कि आदरणीय श्री टाटा जी पर? तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई अमेजिंग अमेजिंग। कहते ना सबर का फल मीठा होता है। यस, सबर का फल मीठा मिला। बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड ट्रेलर, सोचा ही नहीं था इस लेवल का ट्रेलर और कंटेंट होगा। ये दोस्तों OMG 2 का ट्रेलर आ चुका है और क्या दमदार ट्रेलर है भाई, मजा आ जाएगा मूवी में। मेरे अंदर तो अभी से इतना एक्साइटमेंट बढ़ गया है कि कब 11 अगस्त आए और मूवी रिलीज हो और मैं देखने जाऊं। सुपर अमेजिंग कॉन्सेप्ट है। सिर्फ सेक्स एडुकेशन के बारे में बात नहीं हो रही है, ट्रेलर देखकर लग रहा है पूरे एडुकेशन सिस्टम की बात हो रही है। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि यहां से ये हिंट मिल रहा है कि आप चेंजेस कर सकते हो, लेकिन चेंजेस होते हैं छोटे छोटे स्टेप में। मींस आप खुद को बदलोगे तो दुनिया खुद बदल जाएगी। नहीं समझे, मतलब आप अपने स्कूल के एडुकेशन सिस्टम में तो एडवांसमेंट लाइए, भारत का एडुकेशन सिस्टम खुद ब खुद बदल जाएगा। तो पूरी मूवी का सबसे बड़ा लेसन जो है ये होने वाला है, जो भी ट्रेलर से पता लग रहा है मोटा मोटा अभी तक। अब आते हैं ट्रेलर में। भाई मजा आ गया, जबरदस्त मसाला देखने को मिलने वाला है। मैंने जब सुना था कि सेक्स एडुकेशन पर बात होगी इसका मतलब काफी सीरियस माहौल रहेगा, तो मन में ख्याल आ रहा था कि यार ऐसे में तो बोरियत हो जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। भाई पूरे ट्रेलर में इतना हंसा हूं मैं, बहुत हंसा हूं। जगह जगह पर पंच लाइन है, क्या राइटिंग एंड डायरेक्शन किया है अमित राय ने, भाई मजा आ गया। देखो बहुत सी बड़ी बड़ी बातें होने वाली हैं इस मूवी में, बहुत से बड़े बड़े लाइफ लेसन दिए जाने वाले हैं, वो भी एक फनी और चटपटे अंदाज में, ताकि अपनी बात भी जनता के सामने रखी जाए, जो लाइफ की मॉरल वैल्यूज हैं, और एंटरटेनमेंट भी मिल जाए जनता को। टेलर से ये पता लग रहा है कि कांति सरन मुतकल भोलेनाथ का सच्चा भक्त है, उसके बेटे के द्वारा कुछ ऐसा ऑफेंसिव हो जाता है स्कूल में कि उसे स्कूल से निकालने तक की नौबत आने लगती है, और वीडियो लीक हुई है, लोग देखकर उसका मजाक उड़ा रहे हैं, हंस रहे हैं। तो मुझे ये थ्योरी लग रही है यहाँ पर कि किसी लड़के का पर्सनल प्राइवेसी लीक हो गया है, जिसमें कांति सरन मुतकल और पंकज त्रिपाठी के बेटे का भी कुछ ना कुछ कनेक्शन है, रोल है। अब पंकज त्रिपाठी लड़ेंगे केस अपने बच्चे को डिफेंड करने के लिए और अपील भी खुद कर रहे हैं, तो जज यहाँ पगला गए, ये क्या मजाक चल रहा है, अर्जी भी तुम ही दो, केस भी तुम ही डिफेंड करो। भाई ये सीन मजा आ गया भाई साहब, फनी तो है। और सबसे फनी सीन वो लगा कि आप खड़े खड़े ऑब्जेक्ट कर सकते हो, खड़े हैं तो खड़े हैं, खड़े खड़े में प्रॉब्लम हो रही है, भाई अमेजिंग। मतलब समझ रहे हो इसका क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर ये लोग? मैंने बोला था ना मास्टरबेशन पर बात होने वाली है और ये इसका एक कॉमिक जोक है। एक सीन वो बहुत धांसू लगा जब यामी गौतम पंकज त्रिपाठी से कहती है कि एडुकेशन सिस्टम पर उंगली उठाओ ना कि स्कूल पर, तो पंकज त्रिपाठी का ये एग्जांपल बहुत धांसू लगा कि आपका टाटा वाहन चालक से टक्कर हो गया तो आप टाटा कंपनी पर केस करोगे या फिर उस चालक पर, उसी तरह स्कूल पर केस करें या फिर एडुकेशन सिस्टम पर। ये कॉन्सेप्ट बहुत अमेजिंग लगा। ऑब्वियसली शिक्षा हमें स्कूल से मिल रही है, एडुकेशन सिस्टम तो ऊपर है बहुत ज्यादा। तो दोस्तों बहुत मार्वलस लाइफ चेंजिंग पॉइंट्स मिलने वाले हैं मूवी से। एक और मार्वलस मोमेंट ये दिखाया गया है, भगवान का अपने भक्त के लिए सच्ची श्रद्धा के साथ खड़ा रहने वाला मोमेंट, जब अक्षय शिवजी कहते हैं कि तुम भी रखो विश्वास क्योंकि तुम हो शिव के दास, लेकिन अक्षय बोलते हैं यहाँ कि शिव के पास। बहुत गहराई है इस सब में, मजा आ जाएगा। भगवान अपने भक्त को अकेला नहीं होने देते वाला फील है, बिल्कुल बहुत प्यारा कनेक्शन लग रहा है एक भक्त और भगवान के बीच में। तो बहुत फनी मोमेंट भी होने वाले हैं मूवी में, जैसे अक्षय एस शिव जी एक ठेले वाले से कचौड़ी लेते हैं और बदले में आशीर्वाद देते हैं, पर ठेले वाला कहता है भाई पैसे दो, आशीर्वाद नहीं चाहिए। तभी भोलेनाथ का वो रिएक्शन होता है, बिल्कुल लालची दुनिया वाला रिएक्शन। तो बहुत बड़ा लेसन है यहाँ पर भी कि आशीर्वाद की कीमत नहीं है, पैसे की कीमत है इस लालची दुनिया में। तो भाई साहब ये तो बस ट्रेलर था, बहुत मजा आने वाला है पूरी मूवी में, बहुत कॉमेडी मिलने वाली है, बहुत ड्रामा मिलने वाला है और ढेर सारे वैल्यूएबल लाइफ लेसन्स भी मिलने वाले हैं, पक्का कह रहा हूँ। एंटरटेनमेंट के साथ साथ यहाँ पर फिल्म आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगी। तो इंतजार अब बस 11 अगस्त का है। भाई मुझे ट्रेलर बहुत अच्छा लगा, मैं फिर से कह रहा हूँ मुझे इसमें कोई कमी नहीं लगी, उल्टा बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मैं इसलिए भी बहुत एक्साइटेड हूँ। देखो एडुकेशन सिस्टम को चेंज करने पर मूवी बननी चाहिए और इस मूवी का कुछ इम्पैक्ट जरूर होगा आगे आने वाले टाइप में, डेफिनेटली। दोस्तों मैंने बहुत बोल लिया, अब आपकी बारी। आप लोगों ने भी अगर ट्रेलर देख लिया है तो आप लोगों को ट्रेलर कैसा लगा? क्या आपको अभी भी इसमें कोई कमी लगी? ये धार्मिक कनेक्शन विद एजुकेशन, ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा? क्या आप इसे सपोर्ट करते हैं और मूवी के लिए आप सभी को कितना इंतजार है? और लास्ट ये कि क्या सेक्स एडुकेशन और एडुकेशन सिस्टम पर और ऐसी फिल्में बननी चाहिए या नहीं? फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते अगली वीडियो में, जय हिंद।